आज़ादी के बाद आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए सन 1948 में नानाजी देशमुख ने ऐतिहासिक घंटाघर से सर्वप्रथम शोभा यात्रा के माध्यम से फाल्गुनोत्सव का शुभारंभ किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान नरसिंह की आरती करने के बाद महानगर वासियों से फूलों और अबीर गुलाल की होली खेली। तत्पश्चात परंपरागत तरीके से निकलने वाली फाल्गुनोत्सव की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान नागरिक शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर फूल, अबीर गुलाल और रंगों की बरसात किए। नफरत और बंदिशों को तोड़कर लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिले। इस दौरान किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए आला अधिकारी अपने दल बल के साथ चप्पे चप्पर पर नजर बनाए रहे। आगे जो कार्यक्रम है, अभी प्रार्थना होगी, उसके पश्चात भगवान नरसिंह जी की आरती होगी, तत्पश्चात यात्रा का प्रारंभ होगा। सुशीलं जगद्देन ब्रह्मवे सतंगश्रेयसैकमुग्रम परं साधनं नाम वीरव्रतम् जयत्री चन संगता कार्य शक्ति विधायास्त धर्म सुसंगरक्षणम् परम वै बोम्ने तुमे तस्करातम् समर्था भवत्वा सितारसेविषम् Oh!
हम सब